हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बाइनरी डीकोडर पर, जहां पर मैं हमेशा एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ आती हूं। और इस बार फिर से मैं एक अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूं, बट ये जॉब अपॉर्चुनिटी ना होते हुए ये एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है। यस, इंटर्नशिप यानी कि वो जो कि स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ भी कर सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं। स्टाइपेंड भी इनफैक्ट मिलता है कुछ कुछ इंटर्नशिप्स में। सो यहाँ पे स्टाइपेंड है कि नहीं है वो आपको मैं बताऊँगी। और ये इंटर्नशिप किसके लिए होने वाली है, सो ये कोई भी डिग्री का स्टूडेंट रहने तो वो सारे लोग एलिजिबल होंगे। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो भी आप एलिजिबल होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत अच्छी बात ये है कि ये जो इंटर्नशिप है वो आ रही है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आप समझ ही सकते हो कि इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा होगा। और ये इंटर्नशिप बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे रोल्स ला रही है, बहुत सारे इसमें आपको रोल्स देखने मिलेंगे आपके स्टडी के हिसाब से, आपकी आप जो फील्ड में हो, आपके अगर आप फाइनेंस फील्ड में हो तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड इंटर्नशिप्स मिलेगी, आप आईटी फील्ड में हो तो आपको आईटी फील्ड से इंटर्नशिप मिलेगी, आप इकोनॉमिक्स फील्ड में, तो उस हिसाब से वो सारा आपको उस आपके हिसाब से इंटर्नशिप्स मिलेगी, आपके फील्ड के अनुसार इंटर्नशिप मिलेगी। और इंटर्नशिप के एंड में, कंप्लीशन में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन को। अब ये इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी आपको मैं आगे बताऊँगी, और स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो भी, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब लिंक्स आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे हम, तो ये डिस्क्रिप्शन की भी लिंक आपको मिल जाएगी, अप्लाई लिंक भी आपको मिल जाएगी। आपको वीडियो को बस एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे, डू अप्रिशिएट माय वर्क, बस आपको क्या करना है कि आपको लाइक बटन पे क्लिक कर देना है और शेयर कर दे, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है। दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना है। मैं आपके लिए हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटीज लेके आती हूँ, आपको बस इतना काम करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो चलिए आप ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो इंटर्नशिप होने वाली है इसमें एलिजिबल कौन कौन होगा। सो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड बैकग्राउंड से हो, आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो, आप लॉ बैकग्राउंड से हो, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो आप एलिजिबल, तो भी ये सारे फील्ड में से अगर आप कोई भी फील्ड के हो तो यू आर एलिजिबल। सो एप्लीकेंट्स परस्यूइंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च इन फॉलोइंग डोमेन आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आप इन में से कोई भी फील्ड में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, यानी कि अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, यू आर इन द ग्रेजुएशन, ओके, यू आर परस्यूइंग, एंड इफ यू आर इन रिसर्च ऑफ एनी ऑफ दिस इन द फॉलोइंग डोमेन्स देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। नोट, कैंडिडेट फ्रॉम अदर डोमेन्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑन केस टू केस बेसिस, यानी कि अगर आप इनमें से नहीं हो, आप और भी कहीं और से हो, इनमें से लेकिन नहीं हो, तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, तो आपको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे आप बोल देख सकते हो कि अगर आप समझो कि, और यहाँ पे एक सबसे अच्छी खास बात, एक और बात ये है कि ये इंटर्नशिप का कोई लास्ट डेट नहीं है, ये एक साल तक भी चल सकती है आराम से। अगर आप समझो अभी फ्री हो तो मैं कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दो। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो आज अप्लाई कर दो। और ये जो इंटर्नशिप है वो आपके ऊपर है, आप चाहते हो कि, आप सोच रहे हो कि आप बस एक महीने के लिए फ्री हो, एक महीने के बाद में आप कुछ और करने वाले हो, तो आप एक मंथ के लिए कर सकते हो, टू मंथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, थ्री मंथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है ये चीज़, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एज पर योर चॉइस आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप शैल बी मैक्स मिनिमम वन मंथ एंड मैक्सिमम थ्री मंथ्स। आफ्टर कंप्लीशन इंटर्नशिप्स स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो नॉर्मल सी बात है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। और अभी आपको स्टाइपेंड बताती हूँ मैं, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्सेंचर की डायरेक्ट हायरिंग हो रही है, और बेटसॉल कंपनी की, हर्बिंगर कंपनी की, और बहुत सारी हायरिंग्स हो रही है, आप प्लीज़ चेक करो, ये सब में अप्लाई करो। और बहुत सारे लिंक्स अभी भी एक्टिव है, लिंक्स इनके सबके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, या फिर आप डायरेक्टली चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टाइपेंड के बारे में। सो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 10,000 रुपीज़ का,
ठीक है, तो आपको पूरा खाली आपको इंटर्नशिप करने का इतना अच्छा स्टाइपेंड दिया जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और साथ में इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट जो कि मिलने वाला है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। सो आपको अप्लाई कर देना है। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस कैसा होने वाला है, तो प्रोसेस यानी कि आप पहले अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद में जो भी HOD होंगे वहाँ पे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पे, वो लोग आपका जो मतलब कि आपका प्रोफाइल चेक करेंगे और आपको हमेशा जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पर आपको अपडेटेड रहना है, चेक करते रहना है। आपका अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो हो सकता है आपको मेल आएगा, आपका सिलेक्शन आगे बढ़ेगा, आपका हो सकता है प्रोफाइल आपका शॉर्टलिस्ट हो जाए तो आपको मेल आएगा और आपको सिलेक्ट कर दिया जाए फॉर दिस इंटर्नशिप। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मेल अभी तक नहीं आया, कोई भी मतलब कि आगे का कोई प्रोसेस नहीं आया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है उस चीज़ का। आपको अपडेटेड रहना है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तो वो डेफिनेटली आपको मेल करेंगे, ठीक है। तो ये होगा सिलेक्शन प्रोसेस। आपको अच्छे से आपको अप्लाई कर देना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए ये वाले लिंक पे आ जाना है। यहाँ पे आपका अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है और एज शुड बी 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आप 18 ईयर्स से कम हो तो यू कैंट अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। एंड एड्रेस डालना है और यहाँ पे आप देख सकते हो फोन नंबर, ये देखो यहाँ पे जो ईमेल आईडी आप डालोगे वो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, तो आपको इस पे हमेशा अपडेटेड रहना है, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपका डालना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप डाल सकते हो कि आपका इंजीनियरिंग है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, कंप्यूटर्स है, ये सब आप डाल सकते हो। टाइम ऑफ इंटर्नशिप आप देखो 1 मंथ का करना चाहते हो, 2 मंथ का करना चाहते हो, 3 मंथ का करना चाहते हो। मिनिमम 1 मंथ है, मैक्सिमम 3 मंथ्स है, तो आप वो डालना है। आप स्टार्ट कब से करना चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो, ईयर कौन सा, डेट कौन सा। तो कितना अच्छा और फ्लेक्सिबल इंटर्नशिप है मैं बोलती हूँ, ठीक है कि नहीं। तो फिर अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशंस वगैरह डाल सकते हो और वेरिफिकेशन कोड डाल के आगे का प्रोसेस सिंपल सा है, नॉर्मल प्रोसेस है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्क्स वगैरह डाल दो आप अपना। सो ये सब चीज़ डालने के बाद में, ये सब फिलअप करने के बाद में भी अगर आपको कहीं पे डाउट आता है, मैंने अपनी साइड से तो सब चीज़ें आपको बता ही दी है, लेकिन आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी और यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू ऑल, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू ऑल। एंड ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन में इंटर्नशिप का ये डिटेल्स का और साथ ही साथ ये लिंक भी मिल जाएगा। और साथ में आपको इंस्टाग्राम हमारे और दूसरे सोशल मीडियाज़ के भी लिंक्स मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। सो आप यू कैन फॉलो अस ऑन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल। सो एंड इफ़ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क देयर एज वेल। आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑल। सो आपको बस, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो उनके साथ, और ये इंटर्नशिप बहुत अच्छी होने वाली है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करो, ठीक है। और उनको ये वीडियो का लिंक शेयर करो ताकि उनको कोई भी डाउट हो या फिर उनको ऐसा लगे कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई दी है। सो आपको अच्छे से ये वीडियो की लिंक शेयर कर दो, ठीक है। बहुत लोगों की हेल्प भी हो जाएगी आपकी साइड से और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, वीडियो को मेरे और लोग देखेंगे तो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।